दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल इंडियन में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कुछ इस तरह के बॉक्स में हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से ये रिसीव हुआ है। चलिए इसे ओपन करते हैं। ये लीजिए दोस्तों, गैलेक्सी S21 FE 5G कुछ इस तरह एक बॉक्स मिलता है हमें। MRP इसका दिया गया है 74,999 रुपीज़। मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर अगस्त 2022। मैन्युफैक्चर बाय सैमसंग इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। ये हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से टेम्पर प्रूफ सील दी गई है। चलिए इसे ओपन करते हैं। ये रही दोस्तों, सबसे पहले हमें फ़ोन मिलता है, इसे रखते हैं साइड पर। उसके बाद में इस बॉक्स में हमें Type-C to Type-C केबल मिलती है, तो आई थिंक कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस है। उसके अलावा इस तरह मिलती है सिम इजेक्टर पिन। दोस्तों चार्जर आपको पता है सैमसंग ने फ्लैगशिप फ़ोन्स में देना बंद कर दिया है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है ये। चलिए इसे ओपन करते हैं। दोस्तों ये ग्रेफाइट कलर है, 8GB 128GB का वेरिएंट है ये। ये देखिए दोस्तों बहुत ही स्लीक फ़ोन इन हैंड फील हो रहा है ये। दोस्तों इसके फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है और इसके बैक साइड में प्लास्टिक है पॉलीकार्बोनेट का, बट ये काफ़ी हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है। ये देखिए दोस्तों, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फ़ोन के साथ किसी प्रकार का चार्जर सैमसंग की तरफ से नहीं दिया गया है, बट ये 25 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है, ये मेटल फ्रेम है इसका। लेफ्ट साइड में कुछ भी बटन्स वगैरह नहीं दिए गए हैं। बॉटम में आपको सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन, USB चार्जिंग पोर्ट एंड स्टीरियो स्पीकर ग्रिड मिलती है। राइट तरफ में आपको बिग्सबी बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको अगेन सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है। बैक साइड में इसके कैमरास दिए गए हैं, 12 और 8 मेगापिक्सल के कैमरों का कॉम्बिनेशन है ये। 12 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा। ये LED फ्लैश लाइट दी गई है। तो दोस्तों ये ओपन हो गया है, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप गौर करें तो S20 FE 5G और S21 FE 5G में एक मेन डिफरेंस है कि इसकी चिंस बहुत कम है। ये देखिए उसमें थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा एरिया देखने मिलता है, इसमें ऐसा नहीं है। कुछ इस तरह का आपको ये सेल्फी कैमरा इसमें दिया गया है। दोस्तों ये फ़ोन आपको एंड्रॉयड 12 OS के साथ मिलता है। ये देखिए सॉफ्टवेयर में इसका चेक करते हैं। अबाउट फोन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, सैमसंग वन UI 4.1 पर बेस्ड है ये, एंड्रॉयड 12। दोस्तों इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फंक्शन मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि ये सैमसंग का वन UI है, गूगल डायलर नहीं है जिसमें कि सामने वाले को पता लग जाता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि ये सैमसंग का वन UI है, तो इसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग भी ईजिली कर सकते हैं। देखिए सेटिंग में जाइए, रिकॉर्ड कॉल्स, नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, ऑटो रिकॉर्ड्स कॉल,
ऐसे इसमें आपको चूज़ कर सकते हैं। इसमें आप 200, इसमें एक्जिनोस 2100 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और दोस्तों ये एक्जिनोस 2100 का वर्ज़न 2 है। लास्ट ईयर के सैमसंग गैलेक्सी S21 जो सीरीज़ आई थी, S21, S21+, S21 Ultra, उन सभी में एक्जिनोस 2100 वर्ज़न 1 का प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, बट इसमें वर्ज़न 2 का प्रयोग किया गया है जो कि उससे कुछ मामलों में बेहतर है। दोस्तों ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, बट डे टू डे टास्क में आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, 6.4 इंच फुल HD+ डिस्प्ले इसमें दिया गया है। 120 Hz डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले का प्रयोग किया गया है। प्रोटेक्शन के इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया गया है। 240 Hz टच सैम्पलिंग रेट है इसका। HDR10+ को सपोर्ट करता है ये, और इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 1200 nits तक जा सकती है। डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट है। ये देखिए S21 FE में एक इशू था कि आउटडोर्स में विजिबिलिटी काफ़ी कम थी डिस्प्ले की, बट इसमें ऐसा कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें 4500 mAh बैटरी का प्रयोग किया गया है जो कि आपको लगभग एवरेज यूजेज में एक दिन आपको निकाल देगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरास की। इसमें 3 कैमरास दिए गए हैं। फर्स्ट वाइड एंगल 12 मेगापिक्सल, सेकंड मेन कैमरा अगेन 12 मेगापिक्सल, और थर्ड है टेलीफोटो कैमरा 8 मेगापिक्सल। चलिए दोस्तों इसकी कैमरे की क्वालिटी चेक करते हैं। दोस्तों ये पिक्चर ली है हमने प्राइमरी कैमरा से, देन अल्ट्रा वाइड, देन टेलीफोटो। दोस्तों इसमें आप 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, उसके बाद में ज़्यादा 30x तक आप इसको लेके जा सकते हैं। दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है। वीडियो स्टेबलाइजेशन इसमें OIS दी गई है। HDR10+ वीडियो भी आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों HD 30 फ्रेम पर सेकेंड, फुल एच डी 60 फ्रेम्स, 4K 30 फ्रेम्स, 4K 60 फ्रेम तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। और दोस्तों इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें आप रिकॉर्डिंग के दौरान ही कैमराज में स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने, तो रिकॉर्डिंग के दौरान ही आप इसमें वाइड एंगल में शिफ्ट कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग के दौरान ही आप इसमें टेलीफोटो लेंस के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए तीनों कैमरा के अंदर आप बिटवीन रिकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। और दोस्तों साथ ही साथ इसके अंदर आप रिकॉर्डिंग के दौरान ही फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा भी स्विच कर सकते हैं। देखिए अभी फ्रंट कैमरा इसका स्विच करते हैं, ये फ्रंट कैमरा, एंड अगेन बैक कैमरा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन आपके बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग दौरान ही कैमरा को स्विच कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। और दोस्तों इसके अलावा इसमें अगर आप रिकॉर्डिंग को 60 फ्रेम पर सेकेंड पर लेके जाते हैं, चाहे वो फुल HD हो या फिर 4K में, तो उसके अंदर आप फिर कैमराज में स्विच नहीं कर पाएंगे। लाइक अल्ट्रा वाइड एंगल आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए जिस तरह फुल HD 30 फ्रेम है, अभी अभी हम इसको 60 फ्रेम पर सेकेंड करते हैं। अभी देखिए अब इसमें ऑप्शन नहीं है कोई भी अल्ट्रा वाइड का, तो 60 फ्रेम पर सेकेंड के अंदर सिर्फ ये मेन कैमरे का ही यूज़ करेगा, उसमें आप अल्ट्रा वाइड का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ अगर आप 30 फ्रेम पर सेकेंड में वीडियो शूट करते हैं, फिर चाहे वो फुल HD हो या 4K हो, उसके अंदर आप वाइड एंगल कैमरा का भी रिकॉर्डिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर सुपर स्टडी मोड भी दिया गया है, सुपर स्टडी मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। लाइक इसमें और भी बहुत सारे मोड हैं, पोर्ट्रेट इसमें दिया गया है, फोटो मोड, वीडियो मोड, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, पोर्ट्रेट वीडियो भी इसके अंदर आप शूट कर सकते हैं, ड्यूल रिकॉर्डिंग। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ये देखिए इसमें आप व्लॉगिंग के दौरान ये फीचर काफ़ी काम आता है। देन अगेन सुपर स्लो मोशन, पैनोरमा, पोर्ट्रेट
प्रो वीडियो, इसमें आप एक्सपोजर, फोकस सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ISO स्पीड, शटर स्पीड वगैरह आप इसमें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रो मोड, प्रो वीडियो, देन फूड, नाइट, सिंगल टेक, दोस्तों इसमें आपको काफ़ी फंक्शन देखने मिल जाते हैं। ये AR जोन है, इसमें आप अपने हिसाब से इसमें विद इन रिकॉर्डिंग आप डूडल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों पिक्चर क्वालिटी इसकी बहुत ही शानदार है, कुछ इमेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उससे खुद ही जज कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए इसका मेन कैमरा, डिटेलिंग काफ़ी फ्लैगशिप लेवल की है, ये अल्ट्रावाइड कैमरा। दोस्तों इसमें अगर आप एक चीज़ नोट कीजिए कि इसमें अल्ट्रावाइड और मेन कैमरा में कलर टोन में कोई डिफरेंस नहीं आता, और ये 3x जूम, ये देखिए क्लियरिटी कंटिन्यू इसकी सेम वही है। तो दोस्तों ये था इसका कैमरा का रिव्यू। बाकी दोस्तों इसमें हैप्टिक फीडबैक भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, एक फ्लैगशिप लेवल का हैप्टिक फीडबैक से मिलता है। अब दोस्तों बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो इसके सेल्फी कैमरा से भी आप फुल HD और 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तक वीडियो शूट कर सकते हैं। ये देखिए फुल HD 30, फुल HD 60 फ्रेम, 4K 30 फ्रेम एंड 4K 60 फ्रेम, ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आपके वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।